22 मार्च 2020 रांची कभी पहले इतना खाली नहीं हुआ था। लोगों ने काफ़ी तालियां बजाई, सपोर्ट किया, बट 5 बजे के बाद सब ऐसे निकल गए कि एक वर्ल्ड कप जीत गया हो हमने। यो जोहार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तो कंट्री और पूरे दुनिया का सिचुएशन तो ठीक नहीं चल रहा है और हम लोग यहाँ लॉकडाउन में अपने घर में, हमारा आपका ज़्यादा बात नहीं होता है बिकॉज मोस्टली मैं सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूँ या ऐसा ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। बट आज का टॉपिक ना थोड़ा सीरियस है। मेरे ऑडियंस बस रांची के हैं या 500 जितने सब्सक्राइबर भी हैं ना बस उतने ही हैं, बट मोस्टली रांची एंड झारखंड के हैं। वो लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हम लोग कितना बड़े प्रॉब्लम में हैं ये COVID-19 से। आप लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा है बिकॉज आप फील नहीं कर रहे हो कि सिचुएशन क्या है। मेरे एक भैया है इटली में, आप लोग बस इटली का न्यूज़ सुने होंगे, आपने फील नहीं किया है। तो इटली में क्या हो रहा है ना कि इंसान का डेथ ना हज़ारों के ऊपर पहुंच चुका है, थाउजेंड्स के ऊपर डेड बॉडीज़ है वहाँ पे। सरकार ने भी मना कर दिया कि बरियल सब में 3 से 4 लोग से ज़्यादा नहीं आने हैं वहाँ पर। एंड ना सरकार हेल्प कर रही है डेड बॉडी को ले जाने में, ना कोई पब्लिक हेल्प कर पा रहा है। तो समझ रहे हो, किसी का डेड बॉडी, मतलब आपके कोई रिलेटिव है उनका डेड बॉडी घर में ही है, तो घर में ही 2-3 दिन से वो डेड बॉडी है और कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है बुरियल में। आप डेड बॉडी के पास जाओगे ना, वह कोरोना आपको हो जाएगा। इसीलिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। सो यहाँ पर आप लोग घर से निकल रहे हो, मतलब यहाँ पर भी नहीं पूरे इंडिया में यार मत निकलो। इटली में मेरे एक भैया रहते हैं, प्रवीर भैया नाम है, वो वहीं प्रैक्टिस करते हैं। उसने बताया कि इटली में बहुत सिचुएशन खराब है एंड या अभी वो सेफ है, वो अभी फ्रांस में है। सो बस सेफ रहो, घर से मत निकलो। इटली इंडिया का हाफ भी नहीं है तो इतना प्रॉब्लम है। इंडिया में तो बिलियंस लोग रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा। सो बस यही बोलना था, बी सेफ, घर में रहो, थैंक यू। और अभी अभी लॉकडाउन है तो क्या करना है, थोड़ा सिचुएशन को काम करो, घर में थोड़ा ऐसा साफ सफाई करो, वर्कआउट करो, चिल करो एंड अप्रिशिएट करो जो हम लोग को इतना हेल्प कर रहे हैं। ये पुलिस वाले, डॉक्टर्स ऐसे सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं। घर से ही, घर में बैठ के सबसे बात करो, अपने प्यारे लोग से बात करो जिनसे आप बहुत क्लोज हो एंड वर्कआउट करो, या जो आपको अच्छा लगता है, जो आप नहीं कर पाते वो करो। सो लेट्स गो, रूम साफ करते हैं फिर वर्कआउट करते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ यार, तो ये पार्ट साफ हो गया और इधर अभी भी पूरा बिखरा हुआ है। तो साफ करते हैं। यार पहली बार वर्कआउट से ज़्यादा थक गया, बस कपड़ा साफ करके करते करते रूम साफ करते करते मम्मी देखी सरप्राइज होके तो भाग गई। साफ करके मिलते
actually I'm preparing my pre-workout meal. ये मेरा pre-workout meal है. तो जैसे कि मेरा pre-workout meal बन रहा है, तो pre-workout drink भी होना चाहिए. So अभी कोई pre-workout कोई supplement use नहीं कर रहा. So we should use coffee. बस एक छोटा टेबलस्पून ऑफ कॉफी और रेडी है मेरा प्री वर्कआउट मील. सो स्क्रैम्बल रेड्स आपको भी खाना है छोटे, आपको भी खाना है. छोटा लो. ओह बहुत स्ट्रांग था. वीडियो आपको इफ इंफॉर्मेटिव लगा होगा या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना सब लोग से. अलर्ट कर देना, बोलना कि घर में रहना, सावधान रहना पड़ेगा.